हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांतारामस किचन। आज मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च आलू की सब्जी। तो आज मैं शिमला मिर्च आलू की सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ। यह सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो आप भी ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। तो शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, उसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग, एक छोटी चम्मच जीरा, जीरे के लाल होते ही मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्च यूज करी है। उसके बाद डालूंगी इसमें आलू। मसालों में मैं डालूंगी यहाँ पे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी मैं इसे पका लूंगी, गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखूंगी। 4-5 मिनट पका लूंगी, जब तक कि हमारे आलू एटलीस्ट हाफ कुक नहीं हो जाते उतना मैं पका लूंगी। तो अभी मैं इसे ढक देती हूँ और इसे 4 से 5 मिनट पका लूंगी इसी तरह से। बीच बीच में आप चलाकर जरूर देख लें, कहीं आपके आलू जल ना जाए, तो बीच बीच में मैं इसे चलाती भी रहूंगी। तो देखिए 1-2 मिनट हो गई है, आप इसे इस तरह से ही चलाते रहें, बीच बीच में थोड़ा सा चला दें। अगर आपको लग रहा है कि आपके आलू या मसाले जल रहे हैं तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी की ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मेरा भी मसाला एकदम बराबर है। अगर आपका थोड़ा सा मसाला जल रहा है तो इसमें आप 1-2 चम्मच पानी के डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि हम इसे सूखी सब्जी बनाने वाले हैं, तो मैं तो इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो मैं इसे वापस से ढक दूंगी और इसी तरह से थोड़ा सा और पका लूंगी। तो देखिए 4 मिनट हो चुके हैं और मेरे जो आलू हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप इसे जब काटेंगे तो ये कट रहा है, तो अभी ये परफेक्टली कुक नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट हाफ हाफ या थोड़ा सा उससे ज़्यादा कुक हो चुका है। इसी स्टेज तक हमको आलू को पकाना है। अब मैं इसमें डालूंगी अपने टमाटर। मैं यहाँ पे 2 टमाटर यूज़ कर रही हूँ, हम तो इसमें मिला दूंगी। जब हम इसमें टमाटर डाल देंगे तो जो हमारे मसाले हैं वो भी नहीं जलेंगे। तो देखिए मैं टमाटर इसमें डाल दिए, 1-2 मिनट तक मैं इसे इसी तरह से पकाऊंगी, चाहे तो आप ढक दें। तो देखिए टमाटर भी हमारे पक चुके हैं, आप देख सकते हैं टमाटर गलने लगे हैं। बहुत ज़्यादा हमको टमाटरों को नहीं गलाना है। मैंने इनको 1 से 1.5 मिनट पकाया होगा टमाटर के साथ में। अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। यहाँ मैंने 3 शिमला मिर्च यूज़ करी है, उनके बीज को निकाल के काट लिया है, इसे मिक्स कर दूंगी इसी में। अब देखिए कितनी अच्छी एकदम मस्त कलरफुल सब्जी तैयार हुई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे कलर ऐड हो गए हैं। मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दिया है, सबको अच्छे से मिला दिया है। अब मैं ऐसे 3 से 4 मिनट और पका लूँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। जितने में हमारी सारी चीज़ कुक हो जाएंगी अच्छे से, आलू हमारे हाफ कुक हैं, टमाटर हमारे पक चुके हैं, अब हमें शिमला मिर्च पकानी है। शिमला मिर्च पकाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये आराम से कुक हो जाएगी अच्छे से। तो अभी मैं इसे पकने देती हूँ और मैं इसे ढक दूंगी। और याद रखें आप इसे बीच बीच में चलाते ज़रूर रहें क्योंकि चलाना बहुत ज़रूरी है वरना हमारी सब्जी जलने लगेगी। देखिए 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे हमारी सब्जी कुछ इस तरह से दिख रही है और ये एकदम तैयार हो चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आलू हमारा एकदम टूट रहा है, शिमला मिर्च भी हमारी कट रही है, टमाटर हमारे पक चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर भी ऐड करे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया, सब चीज़ों को करूँगी अच्छे से मिक्स।
सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं और हमारी सब्जी भी एकदम तैयार हो चुकी है। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। ये सब्जी बनाने में मुझे 10 मिनट लगे होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली सब्जी तैयार हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी कितनी कलरफुल लग रही है, एकदम मस्त कलरफुल शिमला मिर्च आलू की सब्जी तैयार हो चुकी है।